गया। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। पत्थलगड़ी का विरोध करने पर लोगों की हत्या, अगवा करने के 3 दिन बाद जंगल में शव मिले। चाईबासा जिले में पत्थलगड़ी का विरोध करने पर 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पत्थलगड़ी समर्थकों ने इन सभी को पश्चिमी सिंहभूम के गुलीकेरा गांव से रविवार को अगवा कर लिया था। एडीजी मुरारी लाल मीना ने बुधवार को बताया कि 19 घंटे के सर्च ऑपरेशन के दौरान अति नक्सल प्रभावित गुलीकेरा गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में शव मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पत्थलगड़ी पहुंचे और उन सभी परिवार वालों से मिले और संवेदना व्यक्त की और कहा कि कोई बच नहीं पाएगा। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी ओर से स्पष्ट ये हिदायत भी है, संदेश भी है, इस तरीके के या कोई भी आपराधिक घटनाओं को संरक्षण सरकार नहीं देगी। और इस घटना पर जो लोगों की संलिप्तता है उनको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। कारण जो पर हमारा नजर है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी हालात जो बने हैं यहाँ पर एक डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें सफलता लोगों को नहीं मिलेगी। और बिल्कुल निर्भीक होकर लोग जिए रहें। आज मैं उस पीड़ित परिवारों के बीच गया और काफी मतलब जो माहौल था वाकई में काफी दिल दहलाने वाला था। दोबारा ऐसी घटना ना घटे इसकी पूरी तैयारी प्रशासन की करेगी, ये हम उनको आश्वासन। सर राजभवन गए थे सर, सर गवर्नर मैडम से मुलाकात हुई, जानकारी आपने यहाँ गुदरी की विधि होगी जो घटना घटी थी या समय मांगा जानकारी उन्हें भी है, मैं भी है और इस पर जानकारी अब जा भी जानकारी तो मिला है, आरोपी लोग पहले भी जा चुके हैं, तेजी से बढ़ रही है। आज की घटना में मैं परिवार की घटना समझता हूँ, आज हमारे परिवार में यह समझ किया और मैं उनके दुख के घड़ी में उनके साथ देने के लिए जा रहा हूँ। और सरकार इस विषय पर सख्त है, दोषियों पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल कानून हाथ में लेना अपराध है। जो भी इसमें गुनहगार होंगे उनको चाहे अपराधी हो चाहे कोई कानून में हाथ लेता हो या कोई लापरवाही करता हो, सब पर ये लागू। गवर्नर मैडम से कब का वक्त मांगा है मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल को लेके आपने कहा? हमने मांगा है कल का सर।